असलामुअलैकुम स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का यूजिंग फॉर लूप। तो वो एक प्रोग्राम हमने क्विज़ में जो किया था वो हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, और अगर आई बटन में नहीं है और डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम था हमारा, एरे के ज़रिए हमने वो फाइंड करने हैं, एवरेज फाइंड करना है, सम और एवरेज। तो वो प्रोग्राम मैंने वहाँ गलत कर दिया था। तो यहाँ पर हम वेरिएबल लेंगे इंट सम, ठीक है। एक डब सर, ये प्रोग्राम इस तरह करना है कि हमने एक डब्बल ले रहा है यूज़र से, वो हमें लेंथ बता देगा, मतलब कितने एलिमेंट्स उस अरे में आने चाहिए। तो हमें इसलिए वेरिएबल चाहिए इंट ए, जिसमें हम उससे लेंथ पूछ सके, ठीक है। दूसरा वेरिएबल हमें सम चाहिए, सम इज इक्वल टू ज़ीरो, सम मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, सम चाहिए जिसमें हम सम करा सके, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल हमें डबल में चाहिए, डबल में हमें एक वेरिएबल चाहिए एवरेज, जिसमें हमने अपनी एवरेज शो करा दिया। तो सम इज इक्वल टू मैं ज़ीरो कर देता हूँ अभी, और एवरेज भी इज इक्वल टू ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। अब हम यूज़र से नंबर लेते हैं कि उसके अरे में कितने एलिमेंट होने चाहिए। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें हम डबल कोटेशन में लिखेंगे इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और इसको आप इंटर करवा देंगे, और जो लास्ट प्रोग्राम किया था उसी तरह है, इसको आप इंट डॉट पार्स में कन्वर्ट करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे कंसोल डॉट प्रिंट लाइन। जो लास्ट प्रोग्राम अभी किया है वैसा ही है ये, मतलब वैसे ही वैल्यू इंटर कर दिया, वैल्यू इंटर करना आई होप आपको आती होगी, वैल्यू लेना यूज़र से, ठीक है। इसके बाद हमने एक लूप चलाना है जिसमें हम हर अरे का नंबर ले सकें। तो इसमें मुझे एक वेरिएबल भी चाहिए इंट, अभी मैं अरे ले लेता हूँ एक नंबर की, मतलब एक नंबर ले लेता हूँ। तो मैं अरे को इनिशियलाइज करने का मेथड यह है कि उसके आगे इंट के आगे ब्रैकेट, अरे का नाम इज इक्वल टू न्यू इंट दोबारा लिख दें और उसमें आप अरे की लेंथ बता दें। तो अरे की लेंथ हमने ऑलरेडी यूज़र से ली हुई है, ठीक है। तो ये यूज़र से हमने अरे की लेंथ ले ली है, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया, मतलब जो यूज़र ने इंटर किया है ए वो इस लेंथ में आ जाएगा। तो जितने भी इस लेंथ में, मतलब जिसकी जितनी इसकी लेंथ है उतने एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसमें यूज़र ने 5 इंटर किया है ए की जगह तो 5 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर यूज़र ने 10 इंटर किया तो 10 एलिमेंट। तो हम ये वैल्यू इंटर करवाएंगे यूज़र से जितनी लेंथ है। तो इसके लिए फॉर लूप लगेगा इंट, इसको फॉर लूप में हम इंट, ये ऑलरेडी आ गया है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इंट आई इज़ लेस दैन इज इक्वल टू अरे लेंथ, मतलब इंडेक्स जो होता है ना वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो अब हमें इंडेक्स चाहिए लेंथ से कम। फॉर एग्जांपल अगर हमें 5 एलिमेंट्स यूज़र ने इंटर किया है, 5 किया है, तो हमें अरे चलानी है, ये फॉर लूप चलाना है इंडेक्स 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 एलिमेंट्स हो जाते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं अरे डॉट लेंथ, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं अरे ए, ए इज लेस देन आई इज लेस देन ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसमें स्टोर करवानी है। यहाँ आप एक मैसेज भी कंसोल डॉट रीड लाइन राइट लाइन करवा सकते हो कि इंटर एलिमेंट्स, ठीक है, इंटर एलिमेंट्स इसके अंदर ही लिखना है, इंटर आ एलिमेंट, ठीक है। तो ये मैंने एक मैसेज शो करवा दिया, उसके बाद ये लूप चलेगी। अब जो लूप चलेगी उसकी वैल्यू हम इसमें इंटर करवा देते हैं, आई इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स इसमें भी आएगा, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। सॉरी, ये अरे का नाम
ये वेरिएबल हमने ये लिया हुआ है तो ये लिखेंगे, मिस्टेक हो गया, ये डबल ए हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल था। अब यूज़र मतलब अगर वन इंटर करेगा तो वो अरे इंडेक्स ज़ीरो में शो होगा, अगर टू इंटर करेगा अरे इंडेक्स वन में शो होगा। तो ये लेंथ कब तक जाएगी? जब तक ये नंबर तक नहीं पहुंचेंगे हम। ठीक है, तो ये तो हमारी सिर्फ नंबर इंटर होंगे। ठीक है, तो ये नंबर तो इंटर हो गया, अब इनको सम कराना है। उसके लिए एक अलग लूप चलेगी, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0। ये देखें, मैं डबल टैप प्रेस करेंगे ये आ जाएगा, खुद ब खुद लिख कर आ गया। ठीक है, अब इसमें हमने सम करवाना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे आई। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ हमने जे लिखना है। ठीक है, अरे जे की वैल्यू क्या होगी? वो अरे ज़ीरो की वैल्यू होगी, मतलब जब जे ज़ीरो होगा तो यहाँ अरे ज़ीरो होगा, तो अरे ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास यहाँ शो स्टोर होगी तो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ आउटपुट शो करा देंगे, कंसोल डॉट रेड लाइन। सम इज़, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ सम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम सम ले लेते हैं। इसके बाद हमारा एवरेज हमने शो करानी है, तो ए वी जी इज इक्वल टू हमने सम डिवाइडेड बाय ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जितने इंटर करवाए हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ए होगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप दोबारा प्रिंट करवा देंगे, एवरेजेस एवरेज इज एवीजे। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल था, और यहाँ हम इसको कंसोल डॉट रीडलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था, देखिए ज़ीरो एरर आ रहा है, तो इसको हम रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ये देखें वो पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने तक रे चलानी है। तो अभी मैं कर रहा हूँ 5 इंटर। ठीक है, मतलब 5 एलिमेंट्स की रे चाहिए, तो इंटर वो कह रहा है कि एलिमेंट इंटर करें, तो 5 एलिमेंट्स इंटर करने हैं हमने। तो यहाँ से मैं 1 इंटर करता हूँ, फिर 2 इंटर करता हूँ, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये देखें इनका सम जो होगा वो 15 होगा, और इनका एवरेज 3 होगा। सम इनका 50 है, तो 50 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है इंटर आ एलिमेंट, मतलब अगर हम यहाँ लिखना चाहें इंटर 5 एलिमेंट्स तो वो भी कर सकते हैं। एक ही जगह हम यहाँ 0 लिख दें, सॉरी। ठीक है, एलिमेंट्स, और यहाँ कॉमा देकर ए की वैल्यू शो करा दें। ठीक है, अब मैं दोबारा रन करता हूँ। सॉरी, ऑलरेडी स्क्रीन शो हो रही है, पहले उसको ख़त्म करना है, अब दोबारा रन करते हैं। ठीक है, अब देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटर करने हैं 5। आप कोई भी कर रहे, देखें इंटर 5 एलिमेंट्स, अब हमने यहाँ 5 शो करा दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हमने 5 एलिमेंट इंटर करवा दिया। तो ये देखें ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये लूप किस तरह काम करेगा? यहाँ से हमने यूज़र से नंबर ले लिया है 5, मतलब यूज़र 10 भी इंटर कर सकता है, 85 भी इंटर कर सकता है, कुछ भी इंटर कर सकता है, 50 भी इंटर कर सकता है। तो हमने एक अरे लिया है इस नेम का वेरिएबल का, आप कोई और वेरिएबल ले सकते हैं। उसमें हमने जो उसकी लेंथ बताई है वो ए बताई है, मतलब जो यूज़र ने इंटर किया है। फिर हम उस अरे के लिए एलिमेंट्स इंटर करवाएंगे। ठीक है, तो इंटर 5 एलिमेंट्स मतलब अरे के एलिमेंट, तो वो आई हम लूप चलाएंगे, आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन ए, मतलब जितनी लेंथ है उससे एक कम तक चले। ठीक है, तो ये वहाँ तक चलेगा, ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। तो ये जो 1 वैल्यू है वो
अरे ऑफ 0 की है, अरे ऑफ 1 की 2 है, अरे ऑफ 2 की 3, अरे ऑफ 4 की 3 की 4, अरे ऑफ 4 की 5 है। तो इस तरह ये प्रोग्राम बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि तीसरा प्रोग्राम कैसे बनाना है। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।